नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर इस वक्त बुलंदशहर से है। व्यापारी की लाठी और डंडों से मारपिटाई की गई, उसके साथ में एक दर्जन दबंगों ने व्यापारी की जमकर पिटाई की। पांच नामजद समेत 12 से 20 अज्ञातों पर केस दर्ज हुआ है। पैसों के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। औरंगाबाद थाने के मेन बाजार का यह पूरा मामला है, जहां पर व्यापारी की जमकर धुनाई चल रही है। तस्वीरें देखिए कैसे उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है। एक दर्जन दबंगों ने व्यापारी की जमकर पिटाई की, उसके जो देखिए सामान है उसकी कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। बुरी तरीके से उसको बाहर निकालकर घसीट कर पीटा जा रहा है। दर्जन भर लोग हैं जिनमें से किसी के हाथ में, आप देखिए पहले एक बार तस्वीरों को आप देखिए कैसे बुरी तरीके से उसको पीटा जा रहा है। बेरहमों की तरह उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से वार कर रहे हैं। कोई लात चला रहा है, कोई घूंसे चला रहा है, किसी के हाथ में हॉकी है और देखिए कैसे बुरी तरीके से उसको पीट रहे हैं। पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद पूरा बताया जा रहा है। हॉकी स्टिक देखिए कैसे बुरी तरीके से उसके ऊपर चलाई जा रही है, बुरी तरीके से उसको पीटा जा रहा है। कितने लोगों ने उसको घेर लिया है और एक के बाद एक शख्स उसके ऊपर लगातार वार कर रहा है और उसको बेरहमी से पीटा जाता है। पूरी की पूरी ये वारदात सीसीटीवी में देखिए कैसे उसको पीट रहे हैं लोग। दर्जन भर लोग कैसे एक व्यापारी को घेर कर पीट रहे हैं। ये तस्वीर बुलंदशहर की है। व्यापारी की लाठी और डंडों से जमकर पिटाई की जा रही है। औरंगाबाद थाना बाजार का ये पूरा मामला है। व्यापारी की लाठी और डंडों से पिटाई जबरदस्त तरीके से बुलंदशहर में कर दी गई। एक दर्जन दबंगों ने इस व्यापारी की जबरदस्त तरीके से पिटाई की है। अशोक कुमार है हमारे साथ में। अशोक, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर खास? जी आपको बता दूं, ये वीडियो बुलंदशहर के औरंगाबाद का बीते गुरुवार का है वीडियो है। अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वीडियो वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं दबंगों का कितना हौसला बंद है कि एक व्यापारी के घर में घुसकर डंडों से प्रहार करते हैं, मारपीट करते हैं और चौकी से मास्क ये करीबन 200 मीटर की दूरी पर ये वारदात दिया गया है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर प्रार्थना पत्र ले लिया है। दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का यह आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि वीडियो के आधार पर पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। नहीं, ये लोग हैं कौन, क्यों व्यापारी के ऊपर हमला हुआ, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है फिलहाल? मुझे आपको बता दूं कि लगातार ये वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस जब हड़कंप में आई। अब वीडियो के आधार पर ये जिस व्यापारी के घर में मारपीट हुई है तो वो बता रहे कि पुरानी रंजिश थी किसी विवाद को लेकर ये देर शाम को ये दबंग लोग घर पे चढ़े और तमाम उनके पहलू पर जांच कर रही है और जांच करने के बाद पुलिस कार्रवाई करने का आश्वासन दे। तो ये व्यापारी अब तक खुद से सामने नहीं आया, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की है। जब वीडियो वायरल हुआ फुटेज के आधार पर पहले तो प्रार्थना पत्र व्यापारी ने दिया था, व्यापारी की प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उसने फुटेज दिए हैं, फुटेज के आधार पर मीडिया में ये फुटेज प्राप्त हुए हैं तो तब पुलिस हड़कंप मचा और उनको हड़कंप मचने के बाद में ये जो लोग हैं उनको चिन्हित कर रही है। चिन्हित करके पुलिस 24 घंटे में दावा कर रही है कि दबंग लोगों को कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और सवालों के घेरे में इस वक्त मथुरा की पुलिस, 112 पुलिस के मुंशी और 112 के सिपाही का ऑडियो। मुंशी ऑडियो में मांग रहा ड्यूटी चेंज करने के लिए पैसे। दोनों के बीच बातचीत में डीजल बेचने का भी जिक्र है। 112 पुलिस के नोडल ऑफिसर हैं एसपी सिटी उदय शंकर सिंह। मुंशी ऑडियो में ड्यूटी चेंज करने के लिए पैसे मांग रहा है। दोनों के बीच बातचीत में डीजल बेचने की भी लगातार चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। जरा पूरी पहले वो बातचीत सुनिए आप। तो तुम्हारी तो दिन दिखा रहे हैं कल से और गजेंद्र आसाराम ललन सिंह इनके साथ तो वो आसाराम है तो इनकी अब कल से सुबह दिन हो जाएगी। हाँ, इनकी कल सुबह से दिन की हो जाएगी, गजेंद्र आसाराम और उसकी भूदेव की कल दिन में। जी दिन में। तो तुम्हारी नाइट चल रही थी? नहीं भैया, अब नाइट होगी मेरी आज से जी। दो बजे ड्यूटी है? हाँ, अब 2 बजे से आया हूँ मैं ड्यूटी पर। चलो हाँ, हेलो, एक सेकंड एक सेकंड, कल आए थे जानकारी है? कल नहीं आए। एक सेकंड, और मैं ये कह रहा था, हाँ तुम उसे रिंकू को जानते हो? किसको? रिंकू को। रिंकू जो वहाँ पे है एक्सप्रेसवे पे? हाँ। अच्छा, तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? ना भाई, मेरी कोई बात ना भाई, बताओ। अच्छा, कोई बात करनी है उसे? हाँ, चलो मैं उससे बात करता हूँ, क्या कहता है वो। अभी मेरी बात हुई नहीं है वैसे काफी दिन से।
मैं बात करके देखता हूँ उससे क्या कहता है, मेरी बात हुई नहीं है काफी दिन से। अच्छा, तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? ना दिक्कत तो कोई ना हो रही भैया, वैसी प्रॉब्लम आ गई 3-4 दिन पहले। अरे कौन सी? एटीएम से 31,000 रुपये निकाल लिए किसी ने, कैसे? हाँ ऐसा है एटीएम गिर गया था, हाँ ये बेगर टाइप की हो गई मेरे लिए। किसी ने दिया था अपना वो एटीएम के भाई पैसे निकाल आना, हाँ मैंने उसका रख लिया अपने जेब में। हाँ मैं ये कर रहा कौन? था, वो मजा नहीं कर रहा था, वो गोवर्धन रिंकू। तो अच्छा तुम तो अपने दे जो भी, चलो ठीक है, मगर देख लो अपने हिसाब से। मैं आज ही कल चीन करता हूँ, बात कर लो। मतलब मैं कैसे देखूं ये बताऊं? तुम कैसे देखो, उससे बात अरे कर लो, उसे बात कर लो, वो जान नहीं अदा कर रहा था गोवर्धन की। चलो मैं बात करता हूँ उसे, फिर उसके लिए जगह है कोई यहाँ? जगह तो है, जो भी तो कर रहा हूँ। सुनो चलो मैं अभी बात कर रहा हूँ भैया। हाँ देख लेना, तुम्हारी तो अपनी बात थी, कोई बात नहीं, समझ रहे ना? ठीक ठीक भैया, ठीक। है ना, कितने कितने का होगा? डबल या फिर आधा? और उससे डबल कहते ना यार, डबल। ठीक भैया मैं अभी बात जब तुम कर, सुनो, डबल ही कहोगे तो हाँ वो आधे में आएगा फिर। हाँ, तो वो 3 कह के चलना है ना। अब दो की या कितने की? कोई आते तो यहाँ पर? नहीं कोई नहीं, अकेला हूँ। अच्छा 3 ही कह के चलोगे, जब आएगा 2 पैसे। मैं बात कर, गगन हमारे साथ, हमारा सहयोगी इस वक्त है। गगन, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? मतलब अगर ड्यूटी भी चेंज करानी है तो 3,000 रुपए या 2,000 रुपए ऐसे कीमत तय है? जी मैं बता दूं आपको, ये जो है, ये जो 112 डायल का जो है, फोर व्हीलर एक मुंशी है जो कि एक सिपाही से कह रहा है कि तुम्हारा तो मैंने जो है अपने आप अपने आदमी से इसलिए कम पैसों में करा दिया, आप दूसरे कोई रिंकू नाम का कोई सिपाही है, उसको गोवर्धन ट्रांसफर करने के लिए जो है आप उससे 2 या 3 की बात करें, ठीक है। और इस पर जो है लगातार अभी तक प्रशासन जो है चुप्पी साधे हुआ था, काफी मशक्कत के बाद में जो है इसमें जो है जो इसके नोडल हैं वो हैं एसपी सिटी उदय शंकर सिंह, उनका कहना है कि अभी इस पर जांच बिठाई जा रही है। लेकिन लगातार जो है मथुरा पुलिस जो है इस समय सवालों के घेरे में है कि क्या आखिर ड्यूटी को चेंज करने के लिए भी ये पैसों की मांग करते हैं, और वो पैसों की मांग का बहुत बड़ा असर जो है वो मथुरा की जनता पर पड़ता है। ठीक है गगन, बहुत शुक्रिया। देखिए जाहिर सी बात है कि ड्यूटी चेंज कराने के लिए कैसे पैसे लिए जा रहे हैं, सवालों के घेरे में इस वक्त मथुरा की पुलिस, इसलिए क्योंकि 112 पुलिस के मुंशी और 112 के सिपाही का ये ऑडियो है जो कि वायरल हो रहा है। मुंशी ऑडियो में ड्यूटी चेंज करने के लिए पैसे मांग रहा है, दोनों के बीच बातचीत में डीजल बेचने का भी जिक्र हो रहा है। तो सोचिए कैसे चूना लगाया जाता है, डीजल बेचा जाता है, क्योंकि 112 आप जानते हैं हेल्पलाइन है और जब भी कोई कॉल आता है तो तुरंत ये लोग जाते हैं। तो ये लोग सरकारी पैसों से अपनी जेबें गरम करते हैं, ये सरकारी डीजल बेच बेच के अपनी जेबें भरते हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में सरकार की पहल, अपराधों के प्रति जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगामी 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गृह विभाग की ओर से शुरू किए गए अभियान की विस्तृत रूपरेखा समीक्षा। आगामी 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गृह विभाग की ओर से शुरू किए गए अभियान की विस्तृत रूपरेखा की समीक्षा होगी। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक ने इसकी समीक्षा की है। अपराधों के प्रति जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान होगा। आगामी 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा, विशेष अभियान चलेगा। गृह विभाग की ओर से शुरू किए गए अभियान की विस्तृत रूपरेखा की समीक्षा भी की गई है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक ने यह समीक्षा की है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में यह सरकार की पहल है। अपराधों के प्रति जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगामी 17 से 25 अक्टूबर तक ये विशेष अभियान चलेगा। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए लखनऊ से। नीलेश, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, विशेष अभियान, जो महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर उनमें जन जागरूकता फैलाना है, इस अभियान के तहत क्या कुछ खास है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे महिला और बच्चों को जागरूक किया जाएगा?
देखिए रितु, उत्तर प्रदेश सरकार की ये बड़ी पहल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं उसको लेकर एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। गृह विभाग ने रूपरेखा पर काम करना शुरू कर दिया है कि अभियान किस तरीके से चलाया जाएगा, कितना व्यापक चलाया जाएगा और किस तरीके से लोगों को उससे जोड़ा जाएगा। उसके अलावा अगर हम अभियान खास बातों पर विचार करें, चर्चा करें, तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों के ऊपर लगातार अपराध हो रहे हैं, उनके जो थाने जाती है उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। वहीं योगी सरकार ने फरमान पहले भी जारी किया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि महिलाओं और बच्चियों का जो शोषण करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से शोषण हो या मानसिक रूप से शोषण हो या जो उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कार जैसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों के चौराहों पर चक्कर लगाए जाएंगे, तो वो भी इस अभियान का हिस्सा होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये बड़ी पहल है। चलिए नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सरकार की एक अनोखी पहल है जिसमें जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 25 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। गृह विभाग की ओर से शुरू किए गए अभियान की विस्तृत रूपरेखा की समीक्षा भी हुई है। एएसएस गृह अवनीश अवस्थी पुलिस महानिदेशक ने इस पूरे विशेष अभियान को लेकर समीक्षा की है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में ये सरकार की पहल है। अपराधों के प्रति जन जागरूकता के लिए ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। और सीएम योगी का विपक्ष पर करारा प्रहार, पहले देश बांटा अब लोगों को बांट रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, खतरनाक सोच उनके डीएनए का हिस्सा है। जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र, मत, मजहब के आधार पर बांटना, इनको सत्ता मिली तो परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इनके लिए परिवार, खानदान ही देश, बाकी कुछ नहीं। जब जब सत्ता पर काबिज होते हैं तो परिवार की बात करते हैं, जब सत्ता में नहीं होते तो विभाजन और षड्यंत्र करते हैं। अब इनके चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ उनके संबंध उजागर हो रहे हैं। एक तरफ शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, विकास की प्रक्रिया से सबको जोड़ने का प्रयास यह अभियान लगातार पिछले 6 वर्षों से केंद्र की सरकार चला रही है। पिछले 3-3.5 वर्षों से प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वहीं साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली, इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इन सबके चेहरों को पहचानिए तो इनके लिए अपना परिवार और अपना खानदान ही देश है, वही समाज है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब भी सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं। मुरादाबाद दौरे पर रहे कानून मंत्री बृजेश पाठक उपचुनाव की सभी 7 सीटें जीतेंगे, ये दावा किया। हाथरस के आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। पंचायत भवन सभागार में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रही प्रदेश के कानून मंत्री की। मुरादाबाद दौरे पर रहे पंचायत भवन सभागार में पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में आने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और सभी से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट जाने को भी कहा गया। हाथरस की घटना को लेकर कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कार्रवाई होगी जो आने वाले समय में लोगों के लिए मिसाल बनेगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी। मुरादाबाद मंडल की पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए ये बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में हमारे साथ प्रदेश के मंत्री आदरणीय संजय राय जी और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष मिश्रा जी और हमारे चौहान साहब और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोग जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं त्रिस्तरीय, उसके संबंध में आवश्यक बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं के कैसे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना, उस संबंध में बात करेंगे। मुरादाबाद मंडल की
खबर लखनऊ से, उत्तर प्रदेश में 4.33 यानी 4,33,000 से ज्यादा लोगों में इस वक्त संक्रमण है। यूपी में कोरोना संक्रमण 40,210 एक्टिव केस है। यूपी में लगातार कम हो रही है एक्टिव केसेस की संख्या। यूपी में कोरोना से 3,87,149 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 89.26% है। यूपी में कोरोना से अब तक 6,353 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यह उत्तर प्रदेश का कोरोना आंकड़ा। नोएडा की सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय की दीवारों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गुटके की पीक से सनी दीवारों पर किसी भी अधिकारी की नजर नहीं जा रही। जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकुल तिवारी ने। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में और आज यहाँ की जो बदहाली है, यहाँ का हाल जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इस वक्त ये देख सकते हैं, ये जो जो सिटी मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, ये मेन गेट है कार्यालय का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। बाकायदा लिख रखा है, आदेश है, कार्यालय परिसर में किसी तरह का धूम्रपान पूर्णतः वर्जित है, आज्ञा से नगर मजिस्ट्रेट नोएडा। और इसी के नीचे जस्ट नीचे आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, यहाँ की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो लोगों ने है यहाँ पे धूम्रपान किया है, गुटखा खा के जो है यहाँ पे पूरी तरह पूरा फेंक रखा है यहाँ पे। और इस साइड भी राइट साइड में यही पूरे जो परिसर है उसका हाल है। और आपको बता दें कि योगी सरकार जब आई थी तो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे ये निर्देश दिए थे कि अगर सरकारी कार्यालय में कहीं भी अगर इस तरीके की व्यवस्था पाई जाती है तो सीधे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद ये जो आदेश हैं ये शायद अधिकारी भूल चुके हैं। नोएडा से मुकुल तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया।